यशिका कटारिया एंड आई एम स्टडिंग इन GGDSD कॉलेज चंडीगढ़ एंड आई एम एन NSS वॉलंटियर. सो टुडे वी आर हेयर फॉर योगा सेशन एंड वी विल स्टार्ट अप विद वार्म अप. सो हमें वार्म अप करना क्यों नेसेसरी है योगा से पहले, इसलिए क्योंकि हम योगा की एक्सरसाइज में इतने फ्लुएंट नहीं होते और हम उसको रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करते, तो इस वजह से हमें इंजरीज का डर होता है, तो इसीलिए हम वार्म अप करते हैं योगा से पहले. सो अब हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है रनिंग ऑन स्पॉट. तो हम एक स्पॉट पे खड़े होंगे और हमें रनिंग करनी है फॉर 20 सेकेंड्स. Now, relax for 5 seconds and then we will move forward. So, moving forward to another exercise, we will start with toe exercise, which is ankle rotation. So, we will take our right leg forward and your body should be straight, and then we will first start with clockwise and then anti-clockwise 10 times each side. So, clockwise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, and then anti-clockwise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, and then to the other side, left side, and first clockwise and then anti-clockwise. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Then anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Then relax for 5 seconds. Now moving forward, we will start with shoulder rotation. So we're gonna keep our hands like this on our shoulder और फिर हम इसको rotate करेंगे. जब हम upwards rotate करेंगे तो हमें inhale करना है और जब हम downwards लेकर आएंगे तो हमें exhale करना है 10 times के लिए. So now relax for 5 seconds. अब हम wrist rotation करेंगे, तो हमें अपने arms को आगे की तरफ लेकर आना है और हमें पहले clockwise rotate करना है 5 times और फिर anti-clockwise rotate करना है 5 times. So 1, 2, 3, 4 and 5 and then anti-clockwise 1, 2, 3, 4 and 5. We will relax for 5 seconds and then we will move forward. So moving forward, we will do side bends. So apni legs ke beech mein maximum distance rakh lo jitna aap rakh sakte ho aur hame niche bend hona hai. So we are gonna touch our toe. 1, 2, other side. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 5 times each side. Now relax. Relax for 5 seconds. Calm your body. And then we will continue. So moving on to torso bend. We're gonna bend our torso and जितना मैक्सिमम डिस्टेंस आप रख सकते हो आप रखो और हमें नीचे बेंड होना है 90 डिग्रीज पर और हमें अपने फिंगर्स को ग्राउंड के साथ टच करना है. और अगर हम नहीं कर सकते ग्राउंड के साथ टच तो कोई बात नहीं, बट
वी गोना ट्राई, और आपकी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। सो प्लीज, सो नाउ वी विल डू टॉर्सो स्विंग्स। सो अब हमें इसी पोजीशन में आना है और हमें अपनी हैंड से ऑपोजिट टो को टच करना है। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। नाउ रिलैक्स फॉर 5 seconds। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू लेग अपवर्ड स्ट्रेचिंग। सो वी गोना स्ट्रेच योर लेग अपवर्ड्स, वन अदर साइड, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। सो नाउ रिलैक्स, देन वी विल कंटिन्यू। सो मूविंग फॉरवर्ड टू जंपिंग जैक्स 10 times। सो वी गोना जंप एंड स्विंग आवर हैंड्स। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। एंड नाउ रिलैक्स फॉर 5 seconds एंड देन वी विल कंटिन्यू। सो नाउ आवर वार्म अप इज ओवर एंड देन वी विल कंटिन्यू टू प्राणायाम्स एंड देन वी विल स्टार्ट विद योगा। माय नेम इज जैस्मिन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जीजीडीएसडी कॉलेज चंडीगढ़ एंड आई एम अ आरएसएस वॉलंटियर। सो टुडे आई एम गोइंग टू डू योगा आसन्स एंड प्राणायाम। सो आफ्टर वार्म अप नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्राणायाम्स। सो आवर फर्स्ट प्राणायाम इज अ कपालभाति। कपालभाति करने के लिए हमें अपने नॉर्मल पोजिशन में बैठना है, लाइक दिस, कि हमें अपनी लेग्स को क्रॉस करना है। अब इसके अंदर क्या है कि जो हमारे हाथ हैं दैट शुड बी ऑन आवर नीज, हम अपनी नीज अपने हाथ रखने हैं लाइक दिस। और इसके अंदर जो हमारा इनहेलेशन होता है हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें जस्ट पूरा कंसंट्रेशन अपनी एक्सहेलेशन पे रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सहेलेशन है दैट इज अ वेरी फोर्सफुल। हमें फोर्सफुली अपने सांस को बाहर निकालना है और हमें अपने इनहेलेशन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा लाइक दिस। Do this activity for 20 to 25 seconds. Let's start. Now rest time. Take the rest for 5 seconds. So after Kapalbhati, now we move forwards towards the Bhastrika Pranayam. Bhastrika Pranayam करने के लिए भी हमें इसी position में बैठना है, और जो Bhastrika Pranayam है ये भी काफी similar होता है हमारे Kapalbhati से, बस इसमें main difference ये होता है कि जिसमें inhalation है वो भी क्या है, इसमें forceful है, मतलब हमें forcefully सांस भी अंदर लेना है और फोर्सफुली हमें छोड़ना है लाइक Kapalbhati। सो डू दिस एक्टिविटी फॉर 20 to 25 seconds लाइक दिस। Now rest time for 5 seconds. So after Bhastrika Pranayam, now we will go towards the Omkar Pranayam. Omkar Pranayam करने के लिए हमें अपनी इसी position में बैठना है जिसमें जैसे हम बैठे हैं अपनी cross legs में। इसके अंदर क्या है कि हमें
अब जो अपने हाथ हैं दैट शुड बी ऑन योर नीज लाइक दिस, जो हमारा इंडेक्स फिंगर है और जो हमारा थंब है उसे हमें आपस में जोड़ना है, फिर हमें उसको नीज पर रख लेना है। अब इसमें क्या है कि हमें एक लंबा सा सांस भरते हुए जब सांस भरना है और जब आप उस सांस को छोड़ेंगे ना तो हमें ओम का उजागर करना है और जो म का साउंड होगा उसे हमें एक्सटेंड करना है, मतलब म का साउंड ज्यादा लंबा खींचना है लाइक दिस। ओम शासन से शुरू करेंगे। सो सबसे पहले अपनी राइट लेग को अपनी लेफ्ट लेग पर रखें और अपने हैंड्स को साइडवेज मूव करते हुए नमस्कार पोजीशन में आए और अपने हैंड को ऊपर लेके जाएं। अब हम इस पोजीशन में 10 टू 15 सेकंड्स के लिए रहेंगे। नाउ अब हम अपने हाथों को नीचे लेके आएंगे, अपने लेग को नीचे रखेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब हम अदर लेग के साथ करेंगे। लेफ्ट लेग को रखेंगे हम राइट लेग पे और हम नमस्कार पोजीशन में आएंगे और हम अपने हैंड्स को ऊपर लेके जाएंगे और इसको हम 10 टू 15 सेकंड्स के लिए रखेंगे। सो अब हम ताड़ासन से शुरू करेंगे। अपने पैरों के बीच में एक फुट का डिस्टेंस रखें और अब अपने हाथों को साइडवेज लाते हुए चेस्ट के आगे रखें, इंटरलॉक करें अपने फिंगर्स को और हाथ को ऊपर लेके जाएं और इनहेल करते हुए अपनी हील्स को हम उठाएंगे। अब नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। नाउ रिलैक्स। अब हम अपने नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ेंगे। सीधा खड़े होंगे और अपने लेग्स के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। अब हम अपने राइट फुट को 90 डिग्रीज पे रोटेट करेंगे साइडवेज और अब हम अपने हैंड्स को साइडवेज लेके जाएंगे और नीचे बेंड होंगे। इस पोजीशन में हम 15 सेकंड्स के लिए रहेंगे। नाउ रिलैक्स। अब ये हम सेम अपनी लेफ्ट साइड करेंगे। हम नॉर्मल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, अपने लेफ्ट साइड टो को रोटेट करेंगे 90 डिग्रीज पर, आर्म्स को साइडवेज लेके जाएंगे और बेंड होंगे। अब
हम पद्म आसन की ओर बढ़ेंगे। तो नीचे बैठ जाएं। अब अपने पैरों को सीधा रखें अपने सामने और अपनी राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रखें। अब अपनी लेफ्ट लेग को राइट थाई पे रखें और अपने हैंड्स को नीज पे रखें और इस पोजीशन में 10-15 सेकेंड्स के लिए रहें और आंखें बंद कर लें। अब हम वज्रासन को शुरू करने जा रहे हैं। वज्रासन को करने के लिए हमें अपनी लेग्स को फॉरवर्डली स्ट्रेच करना है ऐसे। अब हमें धीरे धीरे अपनी दोनों लेग्स को पीछे लेके आना है। सबसे पहले हम अपनी राइट लेग को लेके आएंगे इस वजह से। अब हम अपनी लेफ्ट लेग को भी ले आएंगे। अब जो हमारे हाथ हैं वो हमें अपने नीज के ऊपर रखना है ऐसे और इस आसन को करते हुए हमें नॉर्मल ब्रीथ करना है। नॉर्मली इनहेल एंड देन एक्सहेल एंड डू इट फॉर 5-10 सेकेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट जो आसन है उसका नाम है कोन आसन। कोन आसन को हम बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं। इस आसन को करने के लिए हमें अपनी दोनों लेग्स को अंदर की तरफ फोल्ड करना होगा इस तरह से और हमें अपने दोनों हाथ को इंटरलॉक करते हुए अपने पैर को ऐसे पकड़ना है ताकि हमारे पैरों को सपोर्ट मिले। अब हमें अपने दोनों लेग्स को बटरफ्लाई के विंग्स की तरह मूव करना है ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में ऐसे लाइक दिस। Do this activity for 20-25 seconds. Now rest time for 5 seconds. हमारा लास्ट आसन है शवासन। शवासन को करते हुए हमें अपने हमें सीधा लेटना होगा लाइक अ डेड बॉडी। हमें अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए हमें पूरा कंसंट्रेशन अपनी सांसों पर रखना है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में और अपने शरीर को बिल्कुल ही भूल जाना है और हमें कोई मूवमेंट नहीं करनी। रिलैक्स and do this for 20-25 seconds. धन्यवाद। हमारा सेशन अब यहीं पे समाप्त होता है।